सब्सक्राइब करें टेक गार्जियन को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो कैमरा, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सा कैमरा लूँ, लाइक कोई ऐसा कैमरा मुझे बता दो जो कि एक बजट फ्रेंडली भी हो एंड इवन जो उसका वीडियो क्वालिटी हो बहुत ही अच्छा हो एंड जो फोटोज आते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी एंड शार्प हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं कंपेयर करने वाला हूँ दो कैमरा को। एक है पहला 200D जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कैमरा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, एंड दूसरा है 77D जो आप कह सकते हैं थोड़ा बजट से ऊपर है एंड थोड़ा बेनिफिट्स भी है उसमें, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्राइस। तो जो 200D है वो आज एक ऑफ़र में फ्लिपकार्ट में 36,000 पे अवेलेबल है, एंड जो 77D है वो थोड़ा लाइक आप कह सकते हैं डबल द प्राइस है, लाइक अराउंड 60,000 आपको इसका पड़ जाएगा प्राइस में। तो बेसिकली डिफरेंसेस है क्या, तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ इस वीडियो में कि डिफरेंसेस है क्या इन दोनों कैमराज में। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज़, इन दोनों कैमराज में बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो बेसिकली इन दोनों कैमराज में आपको डुअल ऑटो फोकस सिस्टम मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा फोकस करते हैं, एंड जो इन दोनों कैमरा का सेंसर है वो भी सेम है, 24 मेगापिक्सल का APS-C CMOS सेंसर है इन दोनों कैमराज में। एंड बेनिफिट्स क्या है अगर आप 77D लेते हैं तो ओवर 200D, तो 77D में आपको ऊपर में कंट्रोल पैनल मिल जाता है। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको कंट्रोल पैनल देखने में बहुत ही आसान होगा और बहुत ही आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा हर चीज़, आपको समझ में आने लगेगा कि यार हाँ ये करने पे ये होता है, वो करने पे ये, फोकस बढ़ाने पे ये होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझने आने पर लगेगा। उस पर में आपको उसमें दिख भी जाता है कि कितना शटर स्पीड है, ISO कितना है, बहुत ही ईजी हो जाता है देखने में। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो कंटिन्यूस शूटिंग है तो वो 200D में आपको 5 फ्रेम पर सेकेंड मिल जाता है, एंड जो 77D है उसमें 1 फ्रेम ज़्यादा मिलता है। तो लाइक अगर आप कोई मूवी ऑब्जेक्ट्स का फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, लाइक कोई बाइक रेसिंग हो रहा है उसमें आपको अगर फ़ोटो लेना है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा 5 फ्रेम्स में, लाइक अगर 6 फ्रेम है तो 1 सेकेंड में 6 फोटोज़ आएंगे, लाइक आप कंटिन्यूस आपका 6 फोटो आएंगे तो उसमें आपको बेटर लाइक फ़ायदा होगा, आपको फ़ोटोज़ ज़्यादा आएंगे, उसमें आपको शार्पनेस भी ज़्यादा मिलेगा और फोटोज़ ज़्यादा है तो आपको मूवमेंट ज़्यादा कैप्चर होंगे। एंड हम लोग बात करते हैं रीज़न टू चूज़ 77D ओवर 200D। बाय द वे 200D को रिबेल SL2 भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है नंबर ऑफ फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट होता है क्या कि अगर आपको कोई प्रिसाइज फ़ोटो लेना है, लाइक कोई भी आपको लाइक पोर्ट्रेट लेना है, कोई भी प्रिसाइज फ़ोटो प्रिसीजन चाहिए, वहाँ पे आप ऑटो फोकस को सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं और वो थोड़ा आप प्रोफेशनल लेवल का फ़ोटोज़ आएगा, लाइक आपके डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप कौन सा फोकस को सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइप से आपको फोकस में आपको फ़ायदा होगा। तो जो 200D है उसमें फोकस पॉइंट सिर्फ ओनली 9 है, लाइक 9 ऑटो फोकस पॉइंट है, तो ये एक डिमेरिट है 200D का। और जो 77D है उसमें आपको 45 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाता है, तो इसमें आपको बेनिफिट्स है, आपको 45 ऑटो फोकस पॉइंट है तो आप बहुत सारे ऑटो फोकस को सेलेक्ट पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप प्रिसीजन लेवल बढ़ा सकते हैं एंड आप बहुत ही क्रिस्पी और शार्प फोटो ले सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि 200D शार्प फोटो नहीं ले सकता, दोनों ले सकते हैं, बट एक प्रिसीजन लेवल 77D में आपको ज़्यादा मिलेगा बस फोटोज़ में, वीडियोज़ में फोकस का उतना ज़रूरत होता नहीं है। लाइक अगर हम बात करें, लाइक अगर आप खुद का एक वीडियो शूट कर रहे हैं तो ऑटो मोड में ये दोनों कैमरा बहुत ही सही काम करेगा, आप डिफरेंस बता नहीं सकते हो। फिर सेकेंड बात मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि कंटिन्यूस शूटिंग में 77D 6 फ्रेम रिकॉर्ड करता है, 200D 5 फ्रेम करता है, तो थोड़ा सा डिमेरिट है, 5 फ्रेम है तो थोड़ा कम है, तो 200D के प्राइस में ये सही ही है। अब हम बात करते हैं फ्लैश की। तो जो 77D का जो फ्लैश है वो 12 मीटर्स तक आपका रेंज है, तो अगर आप एक फ़ोटो लेते हैं या फिर अंधेरे में कोई भी फ़ोटो ले रहे हैं तो ये 12 मीटर तक ये फ्लैश रेंज है, तो 12 मीटर तक जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ये कैप्चर कर लेगा। बट जो 200D है उसका थोड़ा सा रेंज कम है, लाइक 9.8 मीटर आप कह सकते हैं 10 मीटर, तो 2 मीटर का फ़र्क है तो फ्लैश रेंज में, ये एक और डिमेरिट है। फिर हम बात करते हैं कि 200D में ऊपर कंट्रोल पैनल नहीं मिलता, लाइक जैसे कि आपको 77D के ऊपर कंट्रोल पैनल मिल जाता है उस टाइप से आपको 200D में नहीं मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन का। तो ये डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको बस 77D में मिलता है एंड 200D में ये नहीं मिलता है, तो ये एक आपको प्लस पॉइंट है 77D में।
और हम बात करते हैं कि 200D किस टर्म्स में बेटर है 70-70 में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की। तो जो 200D का बैटरी लाइफ है वो थोड़ा ज़्यादा है, 750 शॉट्स ले सकते हैं आप, और एज़ कम्पेयर टू 77D जिसमें आप 600 शॉट ले सकते हैं। तो आप 50 शॉट्स ज़्यादा ले सकते हैं 200D में। फिर हम वेट की बात कर लेते हैं। तो 200D वेट में 77D से हल्का है। तो जो वेट है आपका 200D का वो है अराउंड 453 ग्राम्स, लाइक 450 ग्राम है, और जो 77D है उसका है 540 ग्राम, वही 550 ग्राम, तो अराउंड 100 ग्राम का फ़र्क है। तो अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर आप हैंडल शॉट भी ले रहे हैं तो थोड़ा वेट कम बेटर हो। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो 200G का जो प्राइस है वो अभी करंट मार्केट में उसका दाम है 36,000, सो अराउंड 36K में आपको ये फ्लिपकार्ट पे आज मिल रहा है क्योंकि आज ऑफर है। ऐसे नॉर्मली ये 40,000 का मिलता है। और हम बात करें 77D का तो ये अराउंड 57K में मिल जाता है। तो अगर आप पेटीएम से ले रहे हो तो आपको 57,000 में आपको ये मिल जाएगा। एंड एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, 77D में एक खासियत है, लाइक उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड वर्जन है, एंड जो भी उसका जो यूआई है वो बहुत ही सही है। लाइक अगर आप चूज़ करते हैं अपर्चर मोड तो उसमें आपको बता देगा कि अपर्चर घटाने से लाइट ज़्यादा आएगा, तो नीचे में वो डिफाइन भी करा रहता है कि आपको पता चल जाए कि कौन सेटिंग से क्या फ़ायदे हैं आपको। तो अगर आप बिगनर हैं तो आई थिंक 77D आपके लिए बेटर होगा क्योंकि हर चीज़ लिखा रहेगा, और आप अगर बजट में रहना चाहते हैं तो 200D इज़ बेटर फॉर यू। और बाकी जो भी चीज़ें हैं सारे चीज़ सिमिलर है 77D एंड 200D। तो अगर आपको बजट में रहना है और एक कैमरा चाहिए तो आई थिंक 200D इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो 77D के लिए आप जा सकते हैं, लाइक ऊपर में कंट्रोल पैनल मिल जाता है और थोड़ा सा अच्छा आपको